देखिए, अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ा है या मैं किसी के साथ इतने दिनों घूम रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। यही तो एक छोटी सी आसान बात आजकल शहनाज गिल सभी को समझा रही हैं। आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, शहनाज गिल हाल ही में अपने भाई शहबाज के साथ उनके नए सॉन्ग लॉन्च में पहुंची, और शहनाज पहुंची तो समझिए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन भी शहनाज गिल बन गई। तो शहनाज से सवाल उनके भाई को लेकर या नए सॉन्ग लॉन्च को लेकर तो ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा हुए। शहनाज गिल यहाँ अपने भाई के साथ हाथों में हाथ डालकर आई थी, अपने भाई को उनके नए सॉन्ग लॉन्च के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करने आई थी। जैसे ही वो मीडिया के सामने पहुंची तो मीडिया भी उनसे ऊटपटांग सवाल पूछने लगे। सबसे पहले तो एक मोहतरमा को मौका मिला तो शहनाज गिल से उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि आजकल आपके और टीवी होस्ट राघव जुएल के रिलेशनशिप की खबरें आ रही है, इस बात पर शहनाज कितनी सच्चाई है हमें जरा बता दे। ये सुनकर शहनाज गिल भड़क गई, भौंकला गई और अपने अंदाज में उन मोहतरमा को जवाब भी दिया। क्या कहती है शहनाज, आइए आपको सुनाते हैं। तो बोलती है ना मीडिया, झूठी बोल रही है ना, कुछ भी बोलते हैं। आप इनके साथ खड़े हो पीछे, तो आप इनके साथ रिलेशन में हो, तो फिर हम किसी के साथ खड़े हो जाए, हम किसी के साथ घूम ले, तो हम रिलेशन में हैं नहीं ना, तो बस ये मीडिया फिर झूठी बोलती है ना। तो देखा आपने किस तरह से शहनाज गिल ने जवाब दिया। शहनाज कहती है कि वो जो शख्स आपके बगल में खड़े हैं, आप उनके साथ घूमती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आपका और उनका रिलेशनशिप है। ऐसा ही ठीक मेरे साथ है, भले ही मैं राघव जुएल के साथ ऋषिकेश गई थी, उनके साथ आजकल कई जगह स्पॉट की जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा पसंद है। आप तो शहनाज का नेचर जानते ही हैं, कितना एंटरटेनिंग है। ठीक वैसा ही नेचर टीवी होस्ट राघव जुएल का भी है, और ये जब दोनों साथ आते हैं तो आप सोचिए कितना ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद है। आप दोनों को ये कैसे लगते हैं, और साथ ही अगर आगे चलकर ये दोनों रिलेशनशिप में भी आते हैं तो आपका इस पर क्या कुछ रिएक्शन होगा, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।